नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम चाबहार बंदरगाह को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चाबहार बंदरगाह के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भारत और ईरान के संयुक्त प्रयास से विकसित किया जा रहा है ये बंदरगाह, जो कि दक्षिण पूर्व ईरान और बलूचिस्तान की प्रांत में मौजूद है। चाबहार बंदरगाह जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बड़े कांटे से कम नहीं है। पाकिस्तान और चाइना इस बंदरगाह को लेके काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस बंदरगाह ने चाइना और पाकिस्तान का जो अपना प्रोजेक्ट है ग्वादर बंदरगाह को लेकर, उसकी अहमियत को कम कर दी है। हालांकि इंडिया ने, भारत ने किसी को परेशान करने की मकसद से इसे नहीं बनाया है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान और पूरी दुनिया तो इससे ग्वादर बंदरगाह को काउंटर पार्ट रूप में ही देखती है। और इसी वजह से भारत ईरान की इस परियोजना से चीन पाकिस्तान के पेट में हमेशा दर्द होता रहता है। और इस बंदरगाह के जरिए भारत ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी मध्य एशिया में आसानी से अपना व्यवसाय कारोबार कर सकते हैं। और इसी के चलते और इसी इसके रमरमा होने की वजह से ग्वादर बंदरगाह का काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है। अमेरिका और ईरान में हाल ही में काफ़ी टेंशन, काफ़ी तनाव बना हुआ है, और अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, लेकिन इस बंदरगाह को इन सब प्रतिबंधों से दूर रखकर अमेरिका भारत को एक प्लस पॉइंट देने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही चाइना को काउंटर करने की एक मौका। अमेरिका के लाख प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और ईरान की दोस्ती में इसका कोई भी अवसर नहीं है। हाल ही में भारत के पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट कहा गया है कि भारत और ईरान अभी भी चाबहार प्रोजेक्ट पे काम करते ही जा रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में इस बात की जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने दी है कि चाबहार प्रोजेक्ट में काम जारी है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान में प्रवेश कर सकता है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ किसी भी समुद्री सीमा जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये इसी समुद्री मार्ग से भारत आसानी से ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान और उसके साथ साथ पूरे मध्य एशिया में अपना कारोबार कर सकता है। पाकिस्तान अरब महासागर में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करके भारत के खिलाफ चाइना को एक बहुत बड़ा सामरिक घाटी दे चुका है, और जिसके चलते भारत बाध्य होकर ईरान के साथ मिलकर इस परियोजना पर, चाबहार परियोजना पर काम किया है और लगातार काम करते जा रहा है और इस बंदरगाह को विकसित करते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारत और ईरान के संयुक्त प्रयासों से बना ये बंदरगाह आगे जाकर मध्य एशिया के मुख्य व्यावसायिक बंदरगाह बनने जा रही है या नहीं। और आशा करते हैं कि इसी तरीके से भारत ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना पाकिस्तान सम्मिलित रूप से जिसे विकसित कर रहा था, हालांकि अब लगता है कि चाइना उस बंदरगाह के प्रोजेक्ट से अब पीछे हट रहे हैं। उनको लग रहा है कि वहां से उनको नुकसान ही हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए शायद ईरान को कन्विंस करने की कोशिश करें कि शायद उससे भी चाबहार प्रोजेक्ट में हिस्सा दिया जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत और ईरान के बीच सारी कारोबार जारी है। भारत और ईरान की दोस्ती भी बना हुआ है, और भारत इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि चाइना की तरफ से इसके बाद क्या स्टेप लिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।